जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। दुआ दुआ दरवाजा खोलो बेटा। दुआ अम्मी से कोई ऐसे नाराज होता है क्या? तो अम्मी ने ऐसे गुस्से में बोल दिया था तुम्हें, तुम तो जानते हो ना अम्मी तुमसे कितना प्यार करती है। चलो दरवाजा खोलो। नहीं मैं नहीं खोलूंगी, तारे अम्मी की साइड लेते और आप भी। दुआ ऐसा नहीं है। अच्छा दुआ मेरे लिए तो दरवाजा खोलो, चलो। नहीं। दुआ को ऐसे लग भी कैसे सकता है कि मैं दुआ से प्यार नहीं करती? सात साल मैंने उस राक्षस के साथ उस छत के नीचे गुजारा, सब मेरी दुआ के लिए, सब दुआ के लिए। मैं अपनी दुआ के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, सब कुछ, लेकिन 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 दुआ को ये लगता है कि मेरे दिल में दुआ के लिए कोई मोहब्बत ही नहीं है और दुआ को इस बात का यकीन ही नहीं है। मेरे दिल में दुआ के लिए कितनी मोहब्बत है, इसका तो ये मतलब हुआ ना कि माँ के किरदार में मैं पूरी तरह से हार गई। चाहत चाहत इधर देखो, तुम हार कैसे सकती हो? चाहत तुम तो वो जो एग्जांपल सेट करती है, किरदार चाहे बेटी का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, तुम हार नहीं सकते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं दुआ को कैसे मनाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो दुआ के छोटे से दिल में चोट लगी है, मैं उसे कैसे ठीक करूंगी? नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं। तुम्हें क्या लगता है चोट सिर्फ मतलब उसके दिल पर लगी है, तुम्हारे दिल पर नहीं लगी? तो फिर आंसू क्यों बहा रही है? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी वाइफ है ना, उसके पास ना एक टेक्निक है, मैं तुम्हें टेक्निक सिखाता हूँ। चाहत चाहत कम ऐसे सिर रखो और मैं काउंटिंग करता हूँ, ठीक है? 100, 99, 98, 97, पता मेरी वाइफ क्या बोलती है? इसमें लंबी लंबी सांसें भी लेनी होती हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, थोड़ी सी स्माइल करो, छोटी सी स्माइल। अच्छा काउंटिंग तो पूरी करो, चलो कम ऑन। 4, 3, 2, 1 तुम देखना जब दुआ दरवाजा खोलेगी ना तो उसको मैं ऐसे शांत करवाऊंगा।
यहाँ क्या कर रहे हो? जानते हो ना पुलिस पागलों की तरह तुम्हें तलाश रही है, तुम जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? शहर छोड़कर जाओ, जहन्नुम में जाओ, कहीं भी जाओ, पर यहाँ से जाओ। अच्छा ठीक है गजाला जी, मैं चला जाऊंगा। जाने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? किस बात की माफी? आपका भतीजा था ना साहिल, उसका खून मेरे हाथों से हुआ था। लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे, मैं सच कह रहा हूं। अब सुन लीजिए, वो मुझसे किसी बात को लेके ना बहस कर रहा था, हाथापाई कर रहा था। लेकिन उस हाथापाई में गलती से मेरा चाकू उसे लग गया। अरे हिम्मत कैसे हुए? नौज़ुबिल्लाह, ऐसी गलती कैसे हो गई तुमसे? जानते हो साहिल के जाने के बाद मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। मैं जानता हूँ गजाला जी, लेकिन उसी के लिए तो मैं माफी मांगने आया हूँ आपसे। लेकिन मैंने कुछ ऐसा भी किया जिससे आपका बदला पूरा होने में आपको मदद मिलेगी। साहिल की मौत के बाद मैंने वो चाकू माधव के हाथ में पकड़ा दिया था, और माधव को उस चाकू के साथ उस बच्चे श्लोक ने देखा था। उसने देख लिया और उसे यही लगता है कि साहिल का खून उसके दादू माधव ने किया है। साहिल की मौत को मैं जाया नहीं होने दूंगी। बैठो। नवेली तुम ये क्या कर रही हो? ये जो तुम्हारी और दुआ के बीच लड़ाई चल रही है ना, मुझे पक्का लगता है कि किसी ना किसी की गंदी नजर लगी होगी, बस वही उतार रही हूँ। तुम बिल्कुल मत परेशान हो। एचआरए, क्या कर रही है तू? माँ वो मैं प्रार्थना करके नजर उतारते हैं हम लोगों में, और ये सिर्फ हम लोगों पर ही काम करता है, पराए धर्म के लोगों पर नहीं। और फिर ये कोई नजर वजर नहीं है, ये इसके करतूतों का फल है। ये बड़ा उपसारी थी ना पंडितों की छुआरी को तलाक लेने के लिए। मामी, मामी आप बार बार भूल क्यों जाती है कि चाहत ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। ये तुम दोनों की तो मदी मारी गई है। इसके पति को जेल में भेज दिया और तेरा पति तो होने ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी लगी रहो इसकी तरफदारी करने के लिए। लेकिन मैं तुम दोनों की तरह पागल नहीं हूं। ला पकड़ा मुझे, मैं इसकी नजर नहीं उतरने दूंगी। पड़ी है इसकी चमची, और तू भी चल मेरे साथ। माँ माँ रुक जाओ, माई मत, क्या कर रही हो? चाहे तुम माँ की बातों को इग्नोर करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए दूसरी थाली लेके आती हूँ। नहीं नहीं नवेली, रहने दो, मामी देखेगी तो फिर से तमाशा खड़ा कर देगी। बाबा मुझसे कहा करते थे कि जब भी मन में कोई नेगेटिव थॉट हो ना, तो प्राणायाम कर लेना चाहिए, और इस वक्त तो नेगेटिव थॉट्स की बाढ़ आई हुई है मेरे मन में। नवेली मुझे बस कुछ वक्त अकेला छोड़ दो। मेरी नजर उतार रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसा कहीं लिखा है क्या? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।